Hey lads, how's it going? My name is not Hassan, not Hashir, not Huzaifa, और यार साद, मतलब किधर हसनैन है, किधर साद है? कम से कम बाकी लोगों ने इनिशियल तो सही इस्तेमाल किया था, साद। मेरी कीबोर्ड वाली वीडियो के बाद आप में से काफी लोगों ने यह कहा था कि मुझे सेम टाइप की वीडियो गेमिंग माइस के बारे में भी बनानी चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टेकिंग अ लुक एट द चीपेस्ट माउस आई कुड फाइंड all the way to one of the best budget gaming mice of all time. I will be comparing their specs, their build and in-game performance. Aur beech mein hi kahin ek special giveaway announcement bhi hai, so make sure that you watch the complete video. तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही पुराना रुपीज 50 का सस्ता सा डेल का माउस है। अगर आप हिटमैन 2, मैक्स पेन, CS 1.6 या फिर क्वाड 4 के जमाने से गेमिंग करते आ रहे हैं तो इस माउस के साथ आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होंगी। और इसी पुराने ताल्लुक का लिहाज करते हुए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, दिस इज द वर्स्ट थिंग एवर इफ यू वॉन्ट टू प्ले कम्पेटिटिव। प्लास्टिक फ्रेजाइल बॉडी, अ सेंसर दैट इज ओनली रेटेड फॉर ऑफिस यूज एंड अनकंफर्टेबल क्लिक्स मेक इट अ हॉरिबल चॉइस फॉर गेमिंग। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आप इस माउस से टेक्निकली गेमिंग कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने रेनबो सिक्स सीज इसी माउस के ऊपर खेल कर सीखी थी, लेकिन जिस दिन मैंने अपना सबसे पहला गेमिंग माउस परचेस किया था, आई कुड नोटिस अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन गेम प्ले एंड परफॉर्मेंस। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड माउस ऑन द लिस्ट, द रेड ड्रैगन M601 सेंटोफोरस गेमिंग माउस। Spoiler alert, this is one of the best mouse that you can get for entry level gaming. Solid build quality, comfortable grip, switches that are easy to press, side buttons, add-on weights and a braided cable. You get all of this under 2000 Pakistani rupees. Jahan tak baat hai iske sensor ki, it's not the best in the world but it is also not the worst either. Agar aap ek arm player hain to flick shots mein rapid movement ke upar iski tracking struggle karti hai. Iske ilawa aapko is mouse mein mild एंगल स्नैपिंग और एक्सेलरेशन नजर आती है, जो कि एज अ गेमर आपके एम को खराब करती है। दिस माउस आल्सो कम्स विद अ रेड एलईडी लाइट व्हिच यू कैन टर्न ऑफ और डिम विद अ रेड ड्रैगन सॉफ्टवेयर। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एक काफी ड्यूरेबल माउस है। मैं इस माउस को पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब जाके इसका डबल क्लिक इशू आया है, जो कि प्रोबेबली इसके स्विचेस की सफाई के साथ ठीक हो सकता है। सरप्राइजिंगली इस माउस का वेट ऑलमोस्ट लॉजिटेक जी प्रो वायरलेस की तरह का है, जो कि एक $130 का गेमिंग माउस है। अब एक मसला जो इस माउस ने मेरे लिए क्रिएट किया है वो है गेटिंग यूज्ड टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से आपके माउस का कर्सर आपके हाथ की मूवमेंट की स्पीड के साथ तेज हो जाता है। कोई भी FPS गेमर एक्सेलरेशन को प्रेफर नहीं करता और मुझे इस चीज से काफी मसला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैंने लॉजिटेक के माउस के ऊपर शिफ्ट किया है जिसके अंदर बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं है, मुझे एम करने में काफी ज्यादा इशू फील होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आई विल गेट यूज्ड टू इट। और अगर आप भी एक्सेलरेशन के साथ गेमिंग करते I will advise you to move away from that and you will definitely see improvement in your aim, your accuracy and recoil. Courtesy of Red Dragon and T-Dagger, I received these products about 2 months ago aur main the video ab bana raha hu. Anyways, let's talk about the T-Dagger's second lieutenant gaming mouse. Build-wise, it looks great. Plastic matte finish, almost similar to my Logitech G402. Comes with 8 programmable buttons which are very comfortable to press. Aur battiyan hai yaar isme. I am in love with the RGB effect of this gaming mouse. Lekin unfortunately, even with my love for RGB, I could not overlook some serious issues with this one. Sabse pehle to ye ek kafi heavy mouse hai. पूरी लिस्ट के अंदर दिस इज द हेवीएस्ट वन एंड इट डजंट कम विद रिमूवेबल वेट्स। इसके सेंसर के बारे में पूरे इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो इट फील्स प्रीटी सिमिलर टू द M601। एंगल स्नैपिंग एंड एक्सेलरेशन आर प्रेजेंट इन दिस माउस एज वेल, बट द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट दिस सेंसर इज द लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। इस माउस को लिफ्ट करके रिपोजिशन करने से मेरा एम ऑलमोस्ट हर दफा डिस्टर्ब होता है। फास्ट मूवमेंट पे इस माउस की ट्रैकिंग M601 से स्लाइटली बेहतर है। ब्रेडेड केबल, पोलिंग रेट ऑफ 1000 एंड अ DPI ऑफ अप टू 8000 इज अ नाइस टच इन दिस प्राइस रेंज। दिस माउस हैज सम रियली नाइस फीचर्स एंड द डिजाइन इज अमेजिंग, बट आई विल पिक माय M601 ओवर दिस माउस एनी डे। कमिंग ओवर टू द रेड ड्रैगन M902, दिस माउस इज मैसिव इन साइज एंड इज प्रोबेबली मेड फॉर गेमर्स यूजिंग पाम ग्रिप। दिस बजट माउस पैक्स सम सीरियस फीचर्स। द शेप इज केयरफुली designed and is extremely comfortable.
Texture of this mouse feels great on the hand and helps in the grip as well. It has 13 programmable buttons with 5 buttons on the side and 8 buttons on the top. Omron switches with life expectancy of up to 5 million clicks, onboard memory which can save up to 5 profiles, removable weights, braided cable and DPI which can go as low as 50 and as high as 16,400. But enough with the flashy details, let's see how this mouse actually performs. Angle snapping seems to be non-existent and acceleration is very minor in this mouse. Coming towards the RGB, I'm quite disappointed. The lights are very uneven and they are not customizable. Is mouse ke 5 RGB light modes hain, lekin uske andar colors automatically shift hote rehte hain. Aap unko ek specific color pe set nahi kar sakte, ya phir aap iske colors ko overall customize nahi kar sakte. Apne budget ke liye ye ek kafi decent option hai, lekin aapko same price ke andar Logitech G102 bhi mil sakta hai. So that's worth checking out. If you are interested in buying these products, you can buy them directly from itdukan.pk. They are the official resellers of Red Dragon, T-Dagger and many other brands. Their links are given in the description below, so do check them out. Aur agar aap in products ko khud se nahi khareedna chahte, then don't worry, I will be giving both of these mice away. All you have to do to enter this giveaway is like this video, subscribe to my channel, follow me on Instagram, follow me on Facebook, follow me on Twitter. Uske baad mere ghar aake meri gaadi ko kapda laga dena, mere kamre ki safai kar dena aur phir thodi si meri taange bhi duba dena, and then I will never talk about this again. YouTuber 101. I'm just kidding, hum us tarah ke YouTuber nahi hain. Aaj se kuch arsa pehle main isi room mein isi chair ke upar same जगह पे 1000 सब स्पेशल की वीडियो बना रहा था एंड टुडे आई एम क्लोज टू 20,000 सब्स. All this credit goes to you guys, so you don't have to do anything to enter this giveaway. Jis tarah aap meri baaki videos ke niche aake comment karte ho, usi tarah is video ke niche bhi koi bhi comment kar do. Main randomly koi bhi do logon ko pick karke apne Instagram aur apne next video ke andar announce kar dunga. Ab currently ye giveaway sirf Pakistan ke liye hai, lekin tension nahi leni, mera next giveaway worldwide hoga and that will be very beneficial for every gamer out there. So make sure that you stay tuned to the channel and let's continue with our video. Now let's talk about the star of today's video, one of the best budget gaming mice of all time, the Logitech G402 Hyperion Fury. Naam to bada kamaal hai, kaam mein kaisa hai? Let's find out. The biggest selling point of this gaming mouse is its fusion engine. Ab normal gaming mouse ke andar optical sensor use kiya jata hai jo ki rapid movement ke upar apni tracking ko lose kar sakta hai, jiski wajah se aapki flick shots ya aapki accuracy kharab ho sakti hai. Logitech ne is mouse ke andar AM010 optical sensor ke sath sath ek accelerometer aur ek gyroscope bhi add kar diya hai. Iska fusion engine is mouse ki movement ke lihaz se iski tracking ko predict karke bilkul accurate rakhta hai. Hence G402 offers one of the most accurate gaming experience. The sensor of this mouse can track at a speed of 500 inches per second, which is even superior to the Logitech G502. The DPI can go as low as 300 and as high as 4000. Ab jahan pe same budget ke andar aapko baki gaming mice ke andar DPI 16000 ya 12000 ya 8000 tak dekhne ko milta hai, is mouse ke andar ye limit sirf 4000 pe hai. Lekin honestly maine apni zindagi mein kisi bhi gamer ko 1200 DPI से ऊपर जाते हुए नहीं देखा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इतने हाई DPI की कभी जरूरत पड़नी भी नहीं है अनलेस आपकी स्क्रीन का साइज और रेजोल्यूशन बहुत ही बड़ा हो. 8 programmable buttons with Omron switches rated at a life of 20 million clicks. Buttons are crisp to press and are very comfortable except for the scroll wheel. I wish it was a little lighter since I mostly play Rainbow Six Siege and scroll is heavily used for gadgets and stuff. Ab ek cheez is mouse ki kafi weird hai, aap isko iske software ke bagair use nahi kar sakte aur iske software ki CD iske box ke sath nahi aati. To agar to aap is mouse ko abhi abhi khareed ke laye ho and this is the only mouse that you have, good luck. It would be great if the lights were RGB as well, they can only be different shades of blue. Overall, the build is solid and the rubber grips add to the comfort. However, I prefer a minimal design. It is difficult for me to use this mouse with my hybrid claw grip. A manager cheez personally feel ki hai wo ye thi ki is mouse ki performance fusion engine ke bagair zyada behtar hai. Maybe I'm used to the conventional optical sensors and acceleration, but using it with the fusion engine enabled kind of limited my aim. Mujhe shoot karte hue ya spray karte hue aisa lagta tha ki is mouse ka cursor ek hi jagah pe ruk gaya and that
that kind of messed with my accuracy and aim. Again, maybe it's just me, but the sensor alone works flawlessly as well. Fast movement में इसकी tracking पे मुझे कोई issue नहीं आया और most probably आपको भी नहीं आएगा. Angle snapping and acceleration is completely zero in this mouse. The only problem I have with this mouse is the grip, and I think I can get used to it with time. अब मैंने सोचा कि ट्रेडिशनल कंक्लूजन के बजाय कुछ नया करते हैं. सो वी आर होस्टिंग एन अवार्ड सेरेमनी. द बेस्ट एंट्री लेवल गेमिंग अवार्ड गोज टू रेड ड्रैगन M601. इफ योर बजट इज एनीवेयर बिटवीन 1,000 and 2,000, जस्ट गो विद दिस माउस, यू विल नॉट रिग्रेट इट. हैशटैग बत्तियां है इसमें. अवार्ड गोज टू द टी डैगर. ओह वेट, ये तो गलत माउस है. द टी डैगर TGM 300. द लाइट्स ऑफ दिस माउस आर रियली आई कैचिंग. सिर्फ थोड़ा सा फोकस अगर इसके वेट और लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस में दे दिया जाता तो ये एक काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी. बेस्ट सेंसर अवार्ड गोज टू द लॉजिटेक G402. माई एम एंड मूवमेंट्स वर मच स्टेबल एंड कंसिस्टेंट विद दिस माउस. आई विल ट्राई यूजिंग इट फॉर सम टाइम, एंड इफ आई कैन नॉट गेट यूज्ड टू द ग्रिप, आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स अ डिफरेंट वन. इन सब में से हर माउस अपनी प्राइस के लिहाज से एक काफी डिसेंट ऑप्शन है. एट द एंड इट कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस एंड बजट. और इसी के साथ साथ ये वीडियो फाइनली खत्म हो गई है. ब्राउन लैड गेमिंग, मोर लाइक बोर लैड गेमिंग. ये सिर्फ मुझे ही हंसी आती है या आप लोगों के लिए भी फनी होता है? इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप. इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन. सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर ऑसम कंटेंट लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन. सब्सक्राइब बटन की RGB होता है बेल आइकन, तो बस जला दो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर. प्लास्टिक फ्रेजाइल बॉडी, अ सेंसर दैट इट रेट इज Rate is, that is rate, it is. Surprisingly, is mouse ka waste, mouse ka waste. Surprisingly, is mouse ka waste, nahin yaar, weight kya ho gaya hai? Surprisingly, is mouse ka weight almost Logitech G Pro Wireless ki tarah ka hai, jo ke ek $130 ka gaming mouse hai. Wow. Aur, bat diya hai yaar isme.